आसंतु सुनिबा आउ एक गोपाल भांडर कहानी भांड पत्नीक मधु परिवेषण शिवाशीष महंती दिनकर कथा। बहुबार राजा कृष्णचंद्र गोपाल को परीक्षा कले तांकठारु कथा गुड़ा शुणिले हेले तांकर से दिन इच्छा हेला। गोपाळर बहुंकु तो परीक्षा कली नाही, बाकी रहीगले गोपाळंकर स्त्री, ताकू आज टिके परीक्षा करी मौज करिबा। राजा कृष्णचंद्र एहा चिंता करी सारिबा परे राजा उवासरु दासी चंपा को डकाई आनी कहले, आलो चंपा, तू आज छामुकर आदेश नहीं जीवु, गोपाल भांडर स्त्री एबे घरे एकला अछि, ताकू जाई कहिबु छामुकर इच्छा होईछि से आज मधुपान करिवे, सेथिलागि तुमठारु मधु नेबा निमते मते पठाई जंदी। मो हस्तरे तमे मधु देई देले मु ताहाने छामुक हस्तरे देई मो कार्य समाप्ति करिवि। गोपाळर स्त्री एक कथा शुणी राजांगर रसिकता ठीक अनुभव करि सारिथिले। से कहिले, चंपालो तू एइठी टिके बस, मु भितर को जाई छामुक निमते मधु धरि आसुछि, सेते विलंब हेबो नाही, मो छामुकरा पर आज गोपाळ स्त्रीर मधु चाखिबार इच्छा। एहा कहि चंपा दासी को बसाई गोपाळर स्त्री घर भितर को जाई छामुक निमते गोटे पत्र लेखिला, ओ से पत्र को सुंदर भावे भांगी भुंगी नेई दासी को देई कहिला, एही पत्रटी को नेई तू छामुक को देई देबु, आउ कहिबु गोपाळर स्त्री एथिरे मधु देइछि। चंपा दासी चिठी को नहीं जाई छामुक हस्तारे बढ़ाई दे कहला, छामु नियंतु गोपाळर स्त्री आजिकाली मधु कागज रे पठाउछि। राजा दासी ठारु चिठीटी नेबारु चंपा दासी राजा उवास आड़े चलीगला। गला बेले हसी देही कहला, छामु एथर गोपाळ स्त्रीर मधि चाटी चुटी खाऊ थांतु। दासी कथार राजा टिके हसी दे गोपाळ स्त्री देइथिबा चिठीटी पढ़िले। चिठी रे गोपाळर स्त्री लेखिथिला, हे छामु, कृष्ण अदृष्ट मोहर अकृष्ट नष्ट करी शुण मो विचार, मोर स्वामी सर्वमधु करिछंती शेष, भांड मोर खाली अछि नाही मधु लेस, धोई देवी भांड मोर जदि थाए आशा, तहिरे मेंटिब जेबे छामुक पिपासा, मुमुढ़ीमती एतिके गुहारी विचारी पत्र लेखिकी पढ़ दंडधारी। इति आपणकर शरणागत भांडर स्त्री। एहापरे छामु भांडक स्त्री पाखकु खंडिये पत्र ओ खंडिये साड़ी दे पठाई देले, कहले एहाकु नेइ जा भांडर पत्नी को दे आसिबु। दूत नेइ छामुकर देइथिबा पाट साड़ी सहित पत्र को भांड स्त्री को दे आसिले।